शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम जबा कुसुमो संकाशं काशपेयं महाद्युतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्।
माफ कीजिएगा हुजूर, मैं शहर चला गया था, आपकी खैरियत नहीं पूछ सका। दोपहर के भोजन के बाद आप कुछ देर सोए कि नहीं? पता नहीं, पिताजी ने तुम जैसे उल्लू की दुम को मुनीम कैसे रखा। अरे जिसे रात में नींद नहीं आती वो दिन में कैसे सो सकता है? माफ कीजिएगा हुजूर, अगर आज रात आप चैन की नींद नहीं सोए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कभी कभी आपके पिताजी को भी नींद नहीं आती थी तो उनके लिए भी एक ही दवा जादू का असर करती थी हुजूर। मैं कुछ दवा वा खाने वाला नहीं। नहीं, 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 नहीं हुजूर, ये खाने की दवा थोड़ी है, मैंने आपके लिए एक शर्तिया इलाज ढूंढ रखा है, जरा एक बार आजमा के तो देखिए। आइए आइए हुजूर आइए। अरे आइए तो सही। आइए सरकार आइए, आराम से बैठिए, और वो भी हुजूर जिगर थाम के। क्या बकता है? बस अब मेरी जबान बंद हुजूर, और पर्दा हटा के जन्नत की हूर। रात की हूँ रानी, हाँ रात की हूँ रानी, मेरी जालिम है जवानी। जब मैं आती ठों से महफिल हो जाती है दीवानी, ओ महफिल हो जाती है दीवानी। रात की हूँ रानी, मेरी जालिम है जवानी। जब मैं आती
निंदाने का इलाज है या हराम करने का? जन्नत की होर, ले जाइए यहाँ से, गोली मार दूँगा। जी जी सरकार जी, आओ मेरे साथ मारो। लायक, कदा कहीं का? शांत, शांत हो जाइए हुजूर, शांत हो जाइए। गुस्सा करने से परेशानी और बढ़ जाएगी। अब आपको आराम करना ही चाहिए। क्या हुआ सरकार, कुछ चाहिए? कुछ नहीं, पगी लग गई। हाँ सरकार, आपकी सैर का वक्त हो गया। मालक दिन रात नींद के लिए तड़पे है और नौकर चलती हुई बग्गी में आराम से सोकर सपने देखे। नलायक, बदतमीज। नहीं नहीं हुजूर, मैं सो नहीं रहा था हुजूर। मैं तो आंखें बंद करके ये सोच रहा था कि आपकी प्रजा कितनी भाग्यवान है। क्या मतलब? मतलब ये हुजूर कि जब से आपने सुबह की सैर शुरू की है ना, तो गांव वालों को सूर्य देवता के साथ साथ अपने अन्नदाता के भी दर्शन हो जाते हैं। खामोश, मुझे चापलूसी से सख्त नफरत है। इधर हम पहले कभी नहीं आए। इधर कुछ खास देखने लायक है नहीं सरकार, बस एक बागीचा है। छोटू, ये जमींदार साहब की बग्गी यहाँ? यही है वो बागीचा। जी हुजूर, आइए। कदर है आप हुजूर। इतनी सुंदर जगह है ये, ऐसा लगता है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर उतर आया है। मनमोहक, शांत और एकांत। आइए आइए अन्नदाता। वाह धन्य भाग्य। वाह वाह वाह, हुजूर कमाल है, सरकार कमाल है। सरकार, क्या बगीचा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है और ये सुगंध कमाल की सुगंध है। ऐसी सुगंध हमारे बगीचे में तो नहीं है। ये बगीचा किसका है? अजी किसी का भी हो हुजूर, आपको भाग गया तो सरकार ये आपका हो गया। आप इस गांव के जमींदार हैं। गांव की जमीन तो क्या हर चीज आपकी है? मतलब जो आपको भा जाए, जो पसंद हो। ऋषिकेश की गंगा जैसी निर्मल जल का तालाब। वाह वाह, हो गया फैसला। इसी तालाब के किनारे बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों वाला एक छोटा सा घर होगा। हर रोज विस्की के जाम चलेंगे। शाम को मुजरा होगा। हुजूर, वो दिल्ली वालियों का जवाब नहीं। तेरे कदेपन का जवाब नहीं। लखनऊ से बेहतरीन मुजरे वाली पूरे हिंदुस्तान में नहीं। सही सही फरमाया हुजूर। तो हुजूर को चैन से नींद आने की जगह यही है। मुनिम जी, कल से मकान का काम शुरू किया जाए। हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अरे सुनो जी, तुम इस बगीचे के माली हो? माली नहीं, मालिक हूँ। सुना सरकार आपने, आपके सामने इतना बड़ा सफेद झूठ। अरे जमींदार साहब के सामने 10 करोड़ की सजा होती है झूठ बोलने वाले को। झूठ बोलना मेरे लिए गौ हत्या के बराबर है सरकार। मैंने राम जी की सौगंध जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं। फिर ये जगह तू जैसे फटीचर के बाप की है? थी तो आपके बाप की, लेकिन उन्होंने खुश होकर मेरे बाप के नाम कर दी। दान पत्र अभी तक मेरे पास है, अंदर संदूक। अरे चुप। नहीं नहीं, हमारे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मुनिम जी, सरकार काम की बात करो। भिखारी के हाथ पहले है, मेरे ख्याल में सरकार 500 रुपए में भर जाएंगे। नहीं नहीं, हम पूरे 1000 रुपए देंगे, क्योंकि जब हमें कोई चीज पसंद आ जाती है तो हम उसमें कोई काट कसर नहीं करते। अन्नदाता, ये बगीचा ये खेत तो मेरी जान है, मैं इन्हें किसी भी दाम पे नहीं बेचूंगा। अरे बेचेगा तो तेरा बाप भी, उसे तो स्वर्गवास हुए 12 बरस हो गए। तेरी जान 12 घंटे की मेहमान है, या तो कल सुबह हवेली आके पैसा ले जा,
या फिर जगह खाली कर दे। और ये गांव भी। कान खोल कर सुन ले, हमारे खानदान की परंपरा, कानून और प्रतिष्ठा इसी में है कि हम जो चाहते हैं वो होकर रह जाए। बंसीराम, बंसीराम, अरे ओ बंसीराम के बच्चे। क्या है? तू कौन है? बंसीराम का बच्चा मतलब नाती। कौन है रे छोटू? खतरा, तुम्हें हो बंसीराम? बचपन से इसी गांव में पला हूँ, जमींदार बाबू के एक एक यमदूत को जानता हूँ। तुम बजरंगी पहलवान हो ना? हाँ। जय सिया राम। तुम्हारे इष्ट देवता का नाम लिया, चरण नहीं छूओगे हमारे? पको मत, सर पे मौत मंडरा रही है और मेरे साथ मस्करी करता है। सरकार का हुक्म है, एक घंटे के अंदर यहाँ से चले जाओ। हुक्म जा जुलुम, मैं इन सारी जमीन का मालिक हूँ। तेरा बकवास को कौन सच मानेगा? कचहरी, वकील के बनाए हुए दस्तावेज, दान पत्र पर भरे सरकार की मोहर। बहुत टाइम बर्बाद हो गया मेरा, सीधी तरह से बोलो तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? जाना ही पड़ेगा, नहीं तो जमींदार बाबू जिंदा कहाँ छोड़ेंगे। लेकिन जाने से पहले वो कानूनी कागजात तो देख लो। कागजात? हाँ। अपनी मोटरी बांधो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। भागता हूँ, भागता हूँ। वाह वाह वाह, कहाँ बगीचा है। हाय हाय हाय, किसको राम रखे उसको कौन चखे। बोल, कर दूँ तेरा राम नाम सब? नहीं नहीं, सोच नहीं, खड़ा हो जा। तूने मुझे एक घंटे का समय दिया था, अब मैं तुझे एक मिनट का समय देता हूँ। बंसी काका, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। बंसी काका, क्या बात है पंडित जी, बड़े हाँफते हुए आए हो। बहुत दूर से आ रहा हूँ बंसी काका। बंसी काका, जमींदार के 50 लाख आ रहे हैं आपको मारने के लिए, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ बंसी काका। अरे निकल कहाँ जाओ भाई, ये अपना बाग बगीचा, ये घर, ये गाय भैंस बैल, ये सब छोड़ के कहाँ चले जाओ? बंसी काका, जान है तो जहान है, ये सब बाद में हो जाएगा। बंसी काका भागो यहाँ से। देखो, अरे बाप रे छोटू, अरे कहाँ है तू छोटू? Where is that old devil of a zamindar who invites us to shoot over his land and hasn't the common decency to come and see us? Maybe he could not come because he is an old sick man, sir. Damn it, he could have sent us a message. Sir, उन्होंने आज शाम को आपके ऑनर में एक शानदार डिनर का बंदोबस्त किया है. We shall come to know the reason at that time. I hope I get a leopard this time. I promised my wife a leopard skin. क्या है? अच्छा, तुम जाओ. सर, आका शुरू हो गया। Let's go. नहीं चलाइए साहब, हम आदमी एक जानवर नहीं, पंछी राम, ये मेरा नाती छोटू। If you're a man, what the hell are you doing in the woods? I would have shot you. साहब, तुम पर गोली चला देता मालूम? शायद वही अच्छा होता साहब, जमींदार बाबू ने गुंडे भेजे हैं हमें तड़पा के मारने के लिए। गोली से तो एक पल में मर जाता, सीधा नर्क से स्वर्ग चला जाता, लेकिन छोटू का क्या होता? What does he say? He says, परनाम
स्वीकार करें। शारीरिक कष्ट के कारण खड़ा होकर आप लोगों का स्वागत न कर सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। Forgive. Forgive? I shall teach you a lesson that you will never forget, you old stupid idiot. अंग्रेजी में गाली दे रहा क्या? Shut up! Tell him that if he ever sets foot on this poor man's land again, I shall ruin him. साहब कहते हैं कि अगर फिर आपने बंसीराम की जमीन पर कदम रखा तो साहब आपको बर्बाद कर डालेंगे। सर, ड्रिंक्स एंड डिनर सर। Give it to your dogs and servants. साहब कहते हैं ये खाने पीने की चीजें नौकरों में और कुत्तों में बांट दो। Come on, Chatterjee, let's go. Yes, sir. On behalf of His Majesty, I can be very tough, and for you, the weather will be rough. अरे हुजूर, हुजूर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए हुजूर, हुजूर मेरी बात सुनिए। मैं बेइज्जती के बाद उस गोरी चमड़ी ने मेरे पुरखों की बेइज्जती की है। हट जाओ! बड़े सरकार को काबू में लाना हमारे बस की बात नहीं। एक काम करो, छोटे सरकार को शहर से बुला लाओ, कचहरी गए फौरन। जल्दी करो, जल्दी करो। आइए हुजूर। अदालत फैसला सुनाने वाली थी, लाखों रुपए की जमीन कोड़ियों के भाव में मिल रही थी। तुम्हारे बुलाने की वजह से मुझे अगली तारीख लेनी पड़ी। मैं मजबूर था छोटे मालिक। चुप रहो। मैं क्या करता छोटे मालिक? पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए। पिताजी, पिताजी, मैं आपका बेटा देवराज। पिताजी दरवाजा खोलिए, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपकी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। मैं उस कलेक्टर की ऐसी कम तैसी कर दूंगा। पिताजी दरवाजा खोलिए। रात भर दरवाजा नहीं खोला छोटे मालिक। अरे खोलेंगे कैसे, होश में आते मुंह से बोतल लगा ली होगी। ऐसा लूज करेक्टर बाप किसी को ना मिले। पिताजी, पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए। पिताजी मैं हाथ जोड़ता हूँ, दरवाजा खोलिए। पिताजी एक काम करो, दरवाजा तोड़ दो। मर गए, कितनी बार समझाया था, काफी उम्र हो चुकी, आप लूज करेक्टर छोड़ दो। लेकिन लेकिन मेरी एक ना सुने, एक ना सुने। दिने कभी नींद नहीं आती थी,
वहां सो गए हमेशा के लिए। कितने साल बीत गए, कितने मौसम बदल गए, लेकिन मैं भूत बनकर यहां पर भटक रहा हूं। बेटा देवराज, जब तक तू बंसी राम की जमीन पर कब्जा नहीं करेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप कहते आगे बोलो जी के घसीटा को पंचायत ने गांव से ही बेदखल कर दिया। जब देखो दारू पी के मारा मारी करता था जी। और कोई दाखिला बाकी तो नहीं रहा? बस वही पुराना रोग, बंसी राम का बगीचा। वही जिसकी खातिर हमारे लूज करेक्टर पिताजी इस दुनिया से चल बसे। मैं अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए उसे हासिल करके रहूंगा। चुमकी, 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 अच्छे अच्छे की।
चैला है कोई मस्ता निलैला, मैं सारे गांव का चैला है कोई मस्ता निलैला, आंख लड़ा तू होश उड़ा तू ऐसा मैं बुआल दे यार, बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बोले ओ माँ। अरे तेरा नाम चुमकी है क्या? हाँ चुमकी है, लैला नहीं है। हाथ छोड़। तुझे कभी गांव में पहले देखा नहीं? अरे मैं तो शहर की हूँ, यहाँ अपने मामा से मिलने आई थी। मेरा बापू है ना शहर में बहुत बड़ी फैक्ट्री में फोरमैन है। अच्छा। हाँ तूने अभी तक हाथ नहीं छोड़ा? पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा ना? कितना गोरा है और मुलायम है, इसमें हरी चूड़ियां कितनी अच्छी लगेंगी है ना। अबे तू तो बंसी राम का पटीजन नाती है ना? हाँ तू तो बहुत चालू है चालू, मैं तो ठीक वक्त पर आ गया, वरना चूड़ी पहनाकर चुटकी भर सिंदूर मांग में भरकर इसकी भी छुट्टी कर देता और मेरी भी छुट्टी कर देता तू। मामा है? ये प्यकर तेरे मामा है? प्यकर? अबे मुझको प्यकर बोला? अबे ऐसा थप्पड़ दूंगा। बम बोले बम बोले हम तो बोले। ए ये भुक्कड़ है ना, तेरे को उड़ा कर ले जाएगा, तो चल मेरे साथ चल। मामा चल। मामा आ, तुझे मेरी शादी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ जा जा, फूटी कौड़ी कैसे नहीं मिलेगी, तेरा बाप तो मेरा दोस्त था दोस्त, मैंने अपनी बहन को 2000 रुपए में दे दिया था। अरे तेरे तो 6000 वसूल करूंगा, 6000 वसूल करेगा। अरे चल चल। बम बोले बम बम भोले बम बम। अरे नाना आज इतनी जल्दी सुबह उठ गए? उठता तो वो है जो सोया हो, रात भर तेरी राह देखता रहा। देखो नाना अब मैं बच्चा नहीं, मैं जवान हो गया हूँ। हाँ कहाँ बिताई जवानी की राह? वो गांव में शिवरात्रि का मेला था ना, रात भर हंगामा था और मैं तो ऐसा नाचा ऐसा गाया कि सब लोगों ने मिलकर 100 रुपए दिए मुझे। 100 रुपए? हाँ पूरे 100 रुपए? हाँ तो फिर, और वो भी सिर्फ एक रात की कमाई, और ऊपर से लाया हूँ तुम्हारी मनपसंद मिठाई गर्मा गर्म जलेबी जो तुमने कब से नहीं खाई। जलेबी? अरे पानी। हाँ एक पानी अभी लाया। ये ना ना इतनी उम्र हो गई, एक बचपन से अभी तक चले भी कर लालच नहीं दिया। हाँ और इस बगीचे और मिट्टी की भी। मिट्टी? अरे मूर्ख ये तो धरती माँ है, फल फूल अनाज सारे संसार को यही तो देती है, इसकी तो माँ के समान सेवा करनी चाहिए। अच्छा तुमने बुढ़ापे तक बैल की तरह दिन रात मेहनत की, मैंने जवान होने तक, कौन सा मेवा मिल गया हमें? अरे तू कैसी बैंक की बातें कर रहा है, एक दिन गांव जाकर रुपया तो कमा लाया लेकिन अकल घुमा आया। अरे तुम खुद सटिया गए हो नाना, सारी जिंदगी मेहनत करके क्या कमाया क्या बचाया? देखो आज तक तो मैं तुम्हारी हर बात मानते आया हूँ, लेकिन अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। तू चाहता क्या है? रुपए कमाना, और 100-200 नहीं पूरे 7000 रुपए महीना। क्या तू जादू सीख कर आया है? जादू नहीं टोटका, और वो भी अपने शेरा से। शेरा? वो दारू बनाने वाला गुंडा? गुंडा औरों के लिए होगा, आज से तो वो मेरा साझीदार है, सारी बात पक्की करके आया हूँ। और ये देखो 1000 रुपए पेशगी भी लाया हूँ। देखो ये किस लिए? इसलिए कि इस मिट्टी पर मैं दारू की भट्टी बनाऊंगा। दारू की भट्टी बनाएगा चाला चोर? ये जमीन तेरे बाप की है? बाप की नहीं, नाना की तो है, और फिर मेरे बाद तुम्हारा कोई वारिस भी तो नहीं? आज से तू मेरा कोई नहीं,
भट्टी लगा कर देख, उसी में झोंक दूंगा तुझको। हाँ ले जा मेरी जलेबी। अरे होश में तो हो ना, मालूम है कितना पैसा मिलेगा? तलवा कसीर के रेंगते हो, हाथ पैर में कोई दम नहीं। लाओ गुटा इधर लाओ और लगाओ इस पर छाप। कभी नहीं, कभी नहीं, अभी लगाना पड़ेगा इसी वक्त। अभी तक तो सांस चल रही है, पता नहीं कब टाइम बोल जाओ, फिर कौन लगाएगा अंगूठा? मेरा भूत हा? वो भी नहीं लगाएगा, तुम्हें कच्चा चुभा जाएगा। देखो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अंगूठा लगाते हो या तुम्हें ऊपर मार दिया, मार दिया, चाकू लगा दिया, चिल्ला क्या कर दी? अरे बचाओ, बचाओ, अंगूठा लगा दिया, खून कर दिया, अरे मुझे चाकू मार दिया, वरना तुम्हें ऊपर भेज दूंगा मैं। हां बोल रहा हूं, कहता हूं क्या हुआ, किसका खून हुआ, किसने किया, लाश कहां है? लाश, लाश ये रही और छुराई ये है। ये जो आप हरियाली देख रहे हैं ना, इसके लिए दिन रात एक करके मैंने खून पसीना बहाया है। ये मेरा नाती, 2 साल की उम्र से इसे छाती से लगाकर बड़ा लिया, अब ये साला मेरा खून करके मुझसे अंगूठा छाप लगवा रहा है, क्योंकि ये यहाँ दारू की भट्टी लगाना चाहता है। लूज करेक्टर, बंदूक नहीं लाया वरना गोली मार देता। जाने दो सरकार, राम जी ने आपको ऐन मौके पर भेजकर मेरी जान बचा ली, मगर ये अन्याय है, ये अत्याचार है, बलात्कार है। बलात्कार के लिए अबला का होना बहुत जरूरी है सरकार। अरे चुप, जरा से मुख्तारी क्या सीख गया, वकीलों की तरह बात करता है, वो भी मुझसे, लूज करेक्टर। सरकार आपने मेरी जान बचाई है, एक उपकार और कीजिए, मैं आप इस साले को यहाँ नहीं रखना चाहता, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कल सुबह चले जाऊंगा मैं। नहीं अभी, इसी वक्त। लेकिन मुनीम जी, जरा अपने पाँव का जूता निकाल कर अपने हाथ में तो लेना। नहीं नहीं नहीं, अरे ये भी इसी बगीचे के चक्कर में था। इस समाज को तेरी मौत हो जाएगी बुड्ढे, और फिर तेरे मुंह में गंगा जल डालने, तेरी चिता को आग लगाने भी नहीं आऊंगा मैं। खामोश लूज करेक्टर, दफा हो जाए यहाँ से, चल जाए यहाँ से, कभी नजर नहीं आना यहाँ पर। लूज करेक्टर, जाए यहाँ से, चला जा। ये क्या क्या इसने? उसने लूज करेक्टर जी। बंसीराम सरकार, तुम भले आदमी हो, लेकिन इस उम्र में तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज से तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार आप हजारों साल जी हैं। बाप रे, यहाँ तो हर कदम पे जान का खतरा है, और इतने कीड़े मकोड़े तो अपने बगीचे में नहीं, जितने यहाँ आदमियों की भीड़ है। अरे हमारे यहाँ तो भेड़ बकरी भी सीधे चलते हैं, यहाँ तो किसी का कोई ठिकाना नहीं। शहर में पहली बार आए हो बिरादर? कौन बोला? मैं बोला बिरादर, शराब पीना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी अधूरी है। फिर हो गया, मदद के लिए शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा बिरादर? छोटू। छोटू, छोटू एक काम करोगे? बोलिए बोलिए। मुझे जरा घर पे छोड़ दोगे? सुसी बहुत चढ़ गई है। अरे हो ज्वाला बुके, दरवाजा खोलो। ज्वालामुखी? मेरी बेटी है बेटी, मिर्ची की तरह दिखी है, बात बात पे भड़कती, सीधे वो बात ही नहीं करती, भड़कती रहती है। तुम पे नहीं भड़केगी? नहीं नहीं, मैं तुम आ गया, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, आओ 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 आओ। तुम? हाँ वो। ए चुमके, खबरदार इसे कुछ कहा तो मैं साथ लाया हूँ। किस लिए? मैं लड़खड़ा रहा था, कहा घर छोड़ दो। अरे घर से तो नजदीक शमशान था। देखा देखा तुमने, जैसे कि मैं बाप नहीं
बापू दरवाजा बंद करो, तमाशा लगा रखा है। तुमने मेरी मदद की, फादर का एक शक नहीं, पहली बात है गाली नहीं खानी पड़ी। कोई बात नहीं, आप आराम करिए। ए चिमके, छोटू भी आज यही खाना खाएगा। किस खुशी में, हमने होटल खोल रखा है क्या? बकपनीर एक झापा लगाऊंगा। आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा? ए फूलों के बाद अगर कोई खुशबू मुझे पसंद आती है तो वो है खाने की। हाँ, तली हुई भिंडी, अरे वाह, ये तो मेरे बचपन की कमजोरी है। ये क्या, नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? स्नान करने के बाद मेरे पेट में चूहे दौड़ते हैं। चूहे दौड़े या बिच्छू, मैंने तुम्हें खाना खिलाने का ठेका ले रखा है। बापू के सामने तो बड़े प्रेम से खाना खिलाती है। प्रेम से? मेरा बस चले तो तेरे खाने में 1.25 किलो नमक और 1/2 किलो मिर्ची डाल दूं, लेकिन क्या करूं, बापू तुझे साथ बिठाकर खाना खिलाता है। लगता है तुझे कोई पिछले जन्म का बैर है मुझसे। क्यों ना हो, मेरे नशे में चूर बाप को घर क्या पहुंचा दिया, बिन बुलाए मेहमान ही बन गए। फुकट में खाना, फुकट में रहने की जगह मिल गई। पता है इस 2 कमरे के घर का क्या किराया है? 60 रुपया। अरे ठीक है, नौकरी मिलते ही सारा हिसाब चुकता कर दूंगा, और जो खाना पकाने में तुम्हारे हाथों को कष्ट हुआ है ना, उसकी मजदूरी अलग से दे दूंगा। मजदूरी? मैं तेरी नौकरी लगती हूँ? 1 लाफा। हाय सदा पे कौन न मर जाए खुदा, कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अच्छा माँ दादी नानी सबको याद कर ले, ये मुझ पर हाथ उड़ाने की सजा है। कलाई नहीं तुड़वानी तो हाथ जोड़कर माफी मांग। मेरे हाथ तो छोड़। अरे माफी नहीं मांगी? ले मांगी माफी। हाँ अब आई रास्ते पे, देख कैसे लाल लाल निशान पड़ गया। देखो, अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है ये लाल निशान, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन ने लाल चूड़ियां पहन ली। हाय शर्मा गई यानी कि खुश हो गई। अब तो डब्बा खोल के कुछ खाना दे दे। ये बापू के दिन के खाने का डब्बा है, फैक्ट्री जाएगा। अरे घर में गुड़ चना कुछ तो होगा, देना। कुछ भी नहीं है। हाँ आम का मुरब्बा है, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुँचता। अरे तो मैं किस मस की दबाऊ। तूने मेरी सुन ली? क्या कहा? मुरब्बा 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 मुरब्बा, ये ले मुरब्बा। मीठा नहीं है? मीठा नहीं है? मीठा नहीं है? अब मीठा होगी। अरे चुमकी रानी, अरे जा जा खेला राजा। तुम जैसी कोई सुंदर इस दुनिया में ना होगी, मैं तुमसे अगर दिल मांगूं तो दोगी या न दोगी। तुम जैसी कोई सुंदर इस दुनिया में ना होगी, मैं तुमसे अगर दिल मांगूं तो दोगी या न दोगी। बोलो दोगी या न दोगी, बोलो दोगी या न दोगी। बोला ना, नहीं दूंगी। तुम
मैंने तुमको देखा रुक के आगे माथा टेका। जब से मैंने तुमको देखा रुक के आगे माथा टेका। जब से मैंने तुमको देखा रुक के आगे माथा टेका। दीवाना कब हुआ तुम्हारा मैंने न जाना। चाहे जैसे भी हो तुमको ये है समझाना। इस जीवन में तो तुम मेरे मन से जा न सकोगी। मैं तुमसे अगर दिल मांगू तो दोगी या न दोगी। बोलो दोगी या न दोगी। बोलो दोगी दोगी या न दोगी। कहा ना नहीं दूंगी। मुश्किल होगा मेरा जीना। अगर कहीं तुम मेरी हुई ना मुश्किल होगा मेरा जीना। अगर कहीं तुम मेरी हुई ना मुश्किल होगा मेरा जीना। और किसी को तुमने चाहा ऐसा कभी ना हो। हाल मेरा क्या होगा वरना तुम ये भी सुन लो। क्या करोगे? या पागल हो जाऊंगा या बन जाऊंगा जोगी। बंसी, ओ बंसी, कैसे हो बंसी? सरकार, इस वीराने में अकेला बेसहारा अपाहिज जैसा बैठा हूं। बंसी, तुम बूढ़े हो गए हो। गांव का हर आदमी तुम्हें जानता है, मानता है। जिस आदमी पर तुम्हें भरोसा हो ऐसा कोई आदमी अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? सरकार, खुद तो सत्तू खाकर जी रहा हूं, उसे कहां से खिलाऊंगा? इतनी बड़ी जमीन का मालिक होते हुए भी जेब में दमड़ी भी नहीं होती। बंसी, 400 रुपए काफी होंगे तुम्हारे लिए? 400 रुपया आसमान से टपकेगा क्या? मुनीम जी। सरकार, तुमने तो मुख्तियारी की है ना, तुम ही ठीक से समझा दो। जी सरकार। बंसी राम जी। जी जी, हमारे दयालु सरकार ने यह फैसला किया है कि हर महीने की पहली तारीख को तुम्हें 400 रुपया दे दिया करेंगे। इतने रुपए तो मेरे परलोकवासी बाप ने भी कभी नहीं देखे। मुझ गरीब के साथ मजाक करके आपको क्या मिलेगा मुन्नीम जी? सरकार। बंसी, जब तक तुम जिंदा हो ये जमीन बाग बगीचा सब तुम्हारा है। महीने की पहली तारीख को आओ और 400 रुपया लो। मजे करो, दिल में जो आए वो करो। जिस दिन तुम नहीं रहोगे उस दिन से यहाँ पे सरकार का अधिकार होगा। अरे बंसी, समझने की कोशिश करो। अगर तुम गए तो ये हरियाली रेगिस्तान बन जाएगी। कानूनी तौर पे ये वसीयत बना दी गई है कि इस जगह को बंसी राम के बगीचे के नाम से पुकारा जाएगा और जमींदार साहब इसको रेगिस्तान बनने नहीं देंगे। और बंसी, मेरे पूज्य पिताजी की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। और मुझे हर महीने की पहली तारीख को 400 रुपए। इस महीने की पेशगी। मुख्तियारी जी। जी हुजूर जी। जी 400 रुपए। सरकार हर काम कानूनी तरीके से करते हैं, लिखा पढ़ी करके। ये देखो करारनामा बना के लाए हैं। लो अंगूठा लगा दो, अंगूठा लगा दो। नहीं नहीं, पहले रुपए अंदर रख लो, रुपए अंदर रख लो, रख लो रख लो रख लो। लो अंगूठा। अरे बंसी राम, एक दूसरा भी। अरे खैर जा,
ये तुम्हारी कॉपी और सरकार की कॉपी मैं रख लेता हूँ। रखो रखो। ये शौदा सरकार को बड़ा सच्चा पड़ेगा। कैसे? परसों पहले एक जोशी ने बताया था कि 70 साल की उम्र में मेरा बाप पूर्णमासी के दिन मर जाएगा, तो मर गया। और मेरे लिए बताया था। क्या बताया था? बताया था। अरे अरे बोला क्या बताया था? बंसी बंसी बोल बोल। अरे नहीं, क्या बताया था? हाँ, बोल बोल बोल। बताया था 80 साल की उम्र में अमावस की रात को मैं मर जाऊंगा। 80 साल का तो मैं हो गया, और अमावस की रात तो कल थी। शायद अगली अमावस को उठा कर ले जाए। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। आज तूने मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी। जमीन के साथ बगीचे में भी कब्जा कर लिया, और वो भी सिर्फ 400 रुपए महीने में। अब ये बुड्ढा सारा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसकी मौत ही मेरी मुक्ति है। जय हो जय हो। ये है ठाकुर कृष्णराज सिंह, 1600 तो नहीं लेकिन 6 पत्नियों के स्वामी। आइए आइए माँ। ये है ठाकुर धर्मराज सिंह, रात दिन जुआ खेलने वाले। इनके स्वर्गवास के समय 60 गांव में से 20 गांव जुए की भेंट चढ़ गए, लेकिन द्रौपदी बच गई क्योंकि वो पहले ही परलोक सिधार चुकी थी। ओह द ग्रेट पर्सनैलिटी ठाकुर धनराज सिंह। माँ इनको तो आपने देखा ही होगा, आपके ससुर जी, मेरे दादाजी, शाबी, अयाश, जालिम। पता है ना माँ, दुनिया का हर बुरा कर्म इनका धर्म था। मुंह बंद रख जाए। मुंह बंद कर लूंगा, लेकिन एक ही रास्ता है, 40,000 दे दो ना। 40,000? हाँ, उसके बाद मैं अपना मुंह आपको कब नहीं दिखाऊंगा। सच्ची माँ देखो ना, मुझे फिल्म प्रोड्यूसर बनना है। वैसे भी आजकल फिल्में बहुत महंगी बन रही है, इसलिए कम से कम खर्च में फिल्म बनाने के लिए माँ माँ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, डायलॉग राइटर, एज वेल एज हीरो मैं ही हूँ। और माँ हीरोइन भी मिल चुकी है, जो कि सिर्फ मेरी इस पहली फिल्म में काम करने के बाद आपकी बहू बन जाएगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। छी छी छी, भारतीय आदर्श माँ की ममता को बदनाम मत करो। माँ माँ तो बच्चों की हर इच्छा को पूरी करती है। दे दो ना 40,000 माँ। अरे ओ जय, जब देखो माँ को तंग करता रहता है। अरे विजय तू तो बड़ा भाई है, इसे समझाना। अरे माँ, इसे समझाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे भारी हाथ के 3-4 छापड़। देखो बड़े भैया, बिजनेस की बातें हो रही है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ए तू चुप बैठ, जब देखो पैसा मांगता रहता है। माँ ए माँ जरा 1,000 रुपए दे देना। 1,000? हाँ, जुए में पहली बार हार के आया हूँ, पिताजी की इज्जत का सवाल है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। नहीं है? नहीं। तो ये कंगन भी चलेंगे मुझे? छोड़ दे माँ, छोड़ दे मेरा हाथ, मुझे कंगन छोड़ दे। लूज करेक्टर, हाथ काट दे, फौरन निकल आएंगे। ये ले। नहीं नहीं बापू, मैं तो मजाक कर रहा था, बात ये है कि मैं एक मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ मेरे बड़े सपूत। तुम दोनों बेटों ने बहुत नाम रोशन किया है मेरा, लेकिन एक बात याद रहे लूज करेक्टर्स, ये अबला औरत तुम दोनों निकम्मे बेटों की माँ होने के अलावा मेरी धर्मपत्नी भी है, और आइंदा इसे जरा भी तकलीफ पहुंचाई ना तो मैं तुम दोनों के साथ बाप की हैसियत से नहीं, एक जमींदार की हैसियत से पेश आऊंगा और सजा दूंगा। चुप हो जाओ, मैं अभी तक चला हूं। जवान बेटों के सामने आप लोगों के बुढ़ापे का रोमांच शोभा देता है क्या? बिल्कुल नहीं देता। खामोश लूज करेक्टर्स, जबान चलाते हो, भाग जाओ यहां से वरना काट डालूंगा तुम्हें। ए चिमके, कहां से सैर करा के लाई है छोटू को? है मैं छोटू हूं बापू। अरे हाँ, तू तो छोटू है। फिर तू है चिमकी, मेरी प्यारी बिटिया।
मेरे प्यारे प्यारे बापू, लगता है तुमने आज डेढ़ बोतल से ज्यादा ही चला लिया। नहीं चुमके, पूरी दो बोतल पी गया हूँ। बापू बस करो, इस वक्त तुम होश में नहीं हो। छोटू तुमको एक मजे की बात बताता हूँ, चुमकी को मालूम है तुझे नहीं मालूम, जब मैं बहुत पी लेता हूँ ना तो मेरा दिमाग है ना एक्सरे की मशीन बन जाता है, मेरे एक्सरे की मशीन बोलती है तेरे को चुमकी बहुत पसंद है। जी अरे कमाल है, चुमकी के पीछे मोहल्ले के सारे लड़के भावरे की तरह मंडराते फिरते हैं, लेकिन हमारी चुमकी किसी को घास नहीं डालती है। आज पहली बार उसने किसी को चाहा है, तुझे चाहा है उसने। कौन कहता है? तेरा बाप, उसकी एक्सरे की मशीन कहती है। क्या छोटे ठीक है ना? जी वो तो चुमकी बता सकती है। बता। देखा देखा शर्मा के भाग के। मेरे एक्सरे की मशीन ने एक चीज साबित कर दी कि चुमकी को तुझसे प्यार है। एक बिनती है बिरादर। हुकुम कीजिए फादर। तूने मुझे फादर कहा ना, अब तू मेरी बात नहीं टालेगा ना? एक काम कर, चुमकी को भगा के ले जा। क्या? अरे शादी कर ले यार उससे, मैंने अपनी बेटी तुझे दी। ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं तेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानती। अपने बापू के घर में कभी कोई सुख तो नहीं मिला मुझे, ना जाने ससुराल में। इतना सुख मिलेगा कि आज तक के सारे दुख भूल जाएगी, रानी बनकर रहेगी रानी। सुन, मुझे तो मेरे नाना जी ने पाला, उनकी जमीन घर बागीचा सब मिला के कम से कम 3 लाख की मलकियत है। अच्छा, चीज पिताश्री। बहुत अच्छी है। छी छी विजय, सुबह सवेरे कोई पीता है? मदर डियर, ये तो जमींदार घरानों की रीत है, और वैसे भी मैं अपने बाप का माल पीता हूँ, किसी के गैर के बाप का माल थोड़ी पीता हूँ। और डियर मदर, तुम्हारे पति भी तो पीते हैं। और होश नहीं खोते हैं। तुम्हारी माँ से ये नहीं कहते कि उसके पति के दोनों बेटे पिछले जन्म के दुश्मन है? इश, ऐसे मत कहो, एक ना एक दिन सुधर ही जाएगा। तुम्हारी इसी जरूरत से ज्यादा ममता ने इन्हें बिगाड़ दिया है। इन्हें खुश रखने के लिए तुमने कौन से दुख नहीं सहे, अपनी सेहत बर्बाद कर ली, शरीर खोखला कर लिया। अब भी समझ जाओ, कुत्तों की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। पिताश्री, अगर आपके बेटे कुत्ते हुए तो उनके माँ बाप कौन हुए? लूज करेक्टर। कौन? ये आपने क्या किया? कुछ नहीं, बाप का फर्ज अदा किया। अरे घबराओ नहीं मदर डियर, खून तो 10% है, 90% विस्की है। पिताश्री माफ करना, आपका शाम का कोटा भी मैं पी गया, दूसरी बोतल मंगा लेना। बाय बाय। बेहूदा बदतमीज नालायक। प्रणाम मामा, प्रणाम मामी। भूत भविष्य वर्तमान की रीडिंग का परफेक्ट ज्ञान देने के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञान सागर की उपाधि से विभूषित किया है। आज तक की मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। अरे किसी का हाथ देकर उसके मरने की तारीख बता सकता है? तारीख? रात दिन पल घड़िया तक बता सकता हूँ मामा। चल मेरे साथ। जा रहे हो? उसी के पास जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है, महीने की हर पहली तारीख को 400 रुपए लूट रहा है, हर अमावस को कहता है कि अगली अमावस नहीं देखूंगा, और आज 23वीं अमावस है जो 7:25 और 23 सेकंड पर शाम को समाप्त होगी। भगवान करे आज वो बुढ़ा भी समाप्त हो जाए। तू चल मेरे साथ। चलो। अब ये बुढ़ा सारा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसकी मौत ही मेरी मुक्ति है। ओ बंसीराम, अरे बंसीराम, अरे बंसी,
ओ बंसीराम, बंसीराम न जाने कहां मर गया ये। आपके मुंह में घी शक्कर हुजूर, और आज अमावस भी है। मुनीम जी, जी हमारी अभिलाषा तभी पूरी होगी जब हम इसकी लाश अपनी आंखों से देखेंगे। इस उम्र में आदमी ऊंचा सुनता है, जा ढूंढो उसे। ओ बंसी, अरे बंसी रो। बंसीराम, बंसी, बंसीराम, हैं? मर गया क्या? अरे, इसकी तो जबान बाहर है, लगता है मर गया। सरकार, मालिक, अरे सरकार, सरकार! शाबाश, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। आज तूने मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी। जमीन के साथ बगीचे में भी कब्जा कर लिया। मालिक, हो गई पूरी, हो गई पूरी, हो गई पूरी। क्यों पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा है, क्या हो गई? आपकी अभिलाषा पूरी हुई, वो वचन पूरा कर गया, बंसी मर गया, बंसी राम इज डेड। क्या तूने अपनी आंखों से देखा? दोनों आंखें फाड़ कर देखा, उसको आवाज भी दी, मगर मुर्दा भी कभी बोलता है हुजूर। कहाँ है? उधर घास में, वो भी कड़ी कड़ी धूप में। आइए आइए, बंसी राम इज डेड। आइए सरकार, देखिए देखिए वो बड़ी लाश, ये किधर? बंसी राम मर गया। बंसी राम मर गया, बंसी राम मर गया, बंसी राम मर गया, बंसी राम मर गया। साले मुफ्त खोर, लूज करेक्टर, हर महीने मेरे 400 रुपयों की बलि लेता रहा। खैर आज भी लेकर आया हूँ, लेकर आया हूँ मैं। अब ले मुर्दे, अब ले, ले मुर्दे ले। यही लाश देखी थी तूने आंखें फाड़ के? हाँ सरकार, ये बिल्कुल मरा हुआ था। फिर मेरे हाथों से नोट किसने लिए है? इसके भूत ने? नहीं सरकार, भूत के नाम से मुझे डर लगता है। पहले ही यहाँ आपके स्वर्गवासी पिताजी का भूत जगह जगह पर घूमता रहता है। खामोश, उनकी दुर्दशा का कारण भी तू ही है। बोल, मरने का ढोंग करके तू यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? ढोंग नहीं हजूर, रात ठंडी लगकर चूड़ी का बुखार आ गया, सारा बदन कांप रहा था, एक पल नींद नहीं आई। सूरज निकला तो यहाँ आकर धूप में लेट गया, सारे शरीर में गर्मी आ गई तो न जाने गहरी नींद कब आ गई। लो लो, अब तो बुखार भी चला गया। लेकिन मौत नहीं आई। कुछ कहा आपने हजूर? कुछ नहीं, हाथ देख इसका। अरे हाथ दिखाना। अरे मामा जी, इसकी उंगलियां तो कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी है। अरे वाह मामा जी, इसकी आयु रेखा तो बहुत लंबी है। बको मत, इसके मरने की तारीख बताओ। कमाल है, अरे जिसकी आयु में लंबी बताता हूँ वो तो बड़ा खुश होता है। लेकिन मुझे ये जानकर खुशी होगी कि ये साला बुड्ढा मरेगा कब। अच्छा, लेकिन कोशिश करता हूँ, ये तो न्यूरोलॉजी से मालूम पड़ेगा। ये क्या है? ये इंग्लिश ज्योतिषी है मामा जी, नंबरों की। आप ऐसा कीजिए, आप 108 तक में कोई भी नंबर बोलिए। 420। मैं आपका नंबर नहीं पूछ रहा हूँ मामा जी, क्यों ज्ञान सागर के ज्ञान का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मैं जो इसके मरने की तिथि तय करूंगा ना, अगर ये ना माना तो आप आत्महत्या कर लीजिए। क्या बकवास कर रहा है? मतलब है मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप 108 तक में कोई नंबर बोलिए। 34 यानी कि 34 into 2 is equal to 68 plus 100 divided by 35 minus 14 comes to 1 3 and 7। जल्दी करना। 1 माने पहली तारीख की रात, और 3 माने तीसरा महीना यानी कि मार्च, और इसके जीवन का अंत। लिख कर रख लीजिए मामा जी। अरे कौन से साल, ये तो तूने बताया नहीं। साल मामा जी, आप मुझे मारेंगे तो नहीं? क्यों? साल तो 7 है, 7 साल बाद मरेगा ये। तेरी ज्योति तो मामा जी, अपने पति को संभालो। ना कीजिए सरकार,
अब तो ज्योतिष पद से मेरा भी विश्वास उठ गया। हर अमावस को यमराज से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले ताकि सरकार के मन का बोझ हल्का हो जाए। अरे तेरा बोझ तो अब शायद यमराज भी नहीं उठा पाएंगे। न जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब हरमी ने इसे 400 रुपए देने का करार किया था और अब भी निभा रहे हैं ये आज भी। एक बात बता, तू तो अकेला है, ये 400 रुपए का करता क्या है? हजूर, इतना कमजोर हो गया था कि चक्कर खाकर गिर पड़ता था, अब दो टाइम दूध पीता हूँ। दूध? और अपने हाथ से बनाकर सिर्फ एक बार रोटी खाता हूँ रात को, लेकिन शुद्ध घी की। शुद्ध घी? लूज करेक्टर, वो भी मेरे पैसे से। सरकार, आपके सिवा इस गांव में मुझे और कौन पैसा देता? आप न होते तो मैं कब का मर गया होता। अच्छा होता, आप तो देवता हैं सरकार। बाकी जो रुपया बचता है उसे हंडिया में डालकर जमीन में दबाकर जमा कर रहा हूँ ताकि एक कश्मीरी शाल खरीद सकूं। कश्मीरी शाल? सुना है बहुत महंगा होता है। बस, लेकिन एक बार ओढ़ने से सर्दी का बाप भी पास नहीं आता। बंसी, तू क्या चाहता है कि मैं पागल हो जाऊं? छी, पागल हूं आपके दुश्मन। अरे दुश्मन तो तू मेरा बना बैठा है। देखो बंसी, इस उम्र में कम और सादा खाना खाना चाहिए, ये दूध और शुद्ध घी हजम नहीं होता है। अरे तू मर जाएगा बंसी। यही तो मैं चाहता हूँ और सरकार यही आप भी तो चाहते हैं। अरे मुनिम जी, जी मेरा दिमाग घूम रहा है जी, ये गर्मी बहुत तेज है जी। सरकार बड़ा ढीठ है, चलिए चलिए अंदर, बड़ा ढीठ है, ऐसा आदमी देखा नहीं। लूज करेक्टर, वेरी लूज साला, लूज करेक्टर। चलो पहुंच गए। ये देख, ये बाग, ये खेत, ये जमीन सब मेरे नाना की है। और वो देख, मेरे नाना बैठे हैं, वो दीवार से पीठ लगाए हुए। चल चल चल, पाए लगू नाना। कौन है? छोटू। छोटू? कौन छोटू? तुम्हारा नाती। अरे इतनी जल्दी भूल गए? चले जाओ यहां से, मेरा कोई नाती वाती नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बुढ़ापे में जरा सठिया गए। अरे नाना, यहाँ की मिट्टी में मेरे दारू की भट्टी खोलने वाली बात भी भूल गए क्या? यही तो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था नालायक पाजी। अरे नाना, पैसों की लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। चल नाना जी के पैरों में माथा टेक। जीती रहो, जीती सदा सौभाग्यवती रहो। लो, मुझे बिना मांगे लंबी उम्र का आशीर्वाद मिल गया। क्या, ये तेरी पत्नी है? आपके आशीर्वाद के बिना कैसे हो सकती है? अब मिल गया, बस हो जाएगी। लुच्चे लफंगे, तू इस लड़की को भगा कर लाया है, अभी तो कह रहा था कि बिल्कुल सुधर गया। नहीं नहीं नाना जी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मेरे पिताजी शराबी हैं, दिन रात नशे में चूर रहते हैं, और माँ माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। अब उस घर में मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इसके बाबूजी से मेरी अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। तू चुप कर, तू इसे ही बोलने दे, बोल। ये कुछ दिनों के लिए हमारे घर मेहमान बनकर आए, बापू को पसंद आए, उन्होंने कहा कि तुम दोनों गांव जाकर शादी कर लो। नशे में होगा, नहीं तो कोई आदमी होश में अपनी जवान बेटी को किसी अजनबी के साथ भेजता है? बापू को इन पर पूरा भरोसा था नाना जी। लेकिन मुझे नहीं है, और तू भी भरोसा नहीं करना, ये बहुत चालू है। क्या? हाँ, तभी तो ऐसी चंद्रमुखी लक्ष्मी को ले आया है। बेटी, तुझे हार बनाना आता है? फूलों का हार? हाँ हाँ आता है। दो हार बना ला,
पीछे बागीचे में बहुत फूल हैं। क्या? अच्छा हाँ। कुछ ही दिनों में क्या हाल हो गया यहाँ का नाना जी, लेकिन आप मत घबराइए, मैं और चुमकी, चुमकी चुमकी उसका नाम नाना जी, हम दोनों दिन रात मेहनत करके इस जगह को पहले जैसा स्वर्ग बना देंगे। मगर अब क्या फायदा, अब ये जगह मेरी नहीं है। हाँ, जब तक जिंदा हूँ मैं ही मालिक रहूंगा, मेरे मरते ही यहाँ की सब चीज पर जमींदार साहब का कब्जा हो जाएगा। जबरदस्ती? नहीं नहीं, कानूनी तौर पर मैंने अंगूठा लगाकर करार किया है, वो हर महीने की पहली तारीख को 400 रुपया रोकड़ा मुझको भेजते। 400 रुपए की लालच में तुमने सब सत्यानाश कर दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है नालायक, तेरी वजह से। तू तो मुझे यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ गया था, ये तो जमींदार साहब के रुपयों की वजह से अभी तक जिंदा हूँ, कम से कम दो वक्त की रोटी खा लेता हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया नाना जी, लेकिन अब जमींदार साहब को कई और साल इंतजार करना पड़ेगा। नहीं बेटी, अब तो चला चली है, आज नहीं तो कल। चुप रहिए, मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी, ऐसा ताकत वाला खाना खिलाऊंगी, शहर जाकर एक से एक टॉनिक लेकर आऊंगी और शेर की चर्बी से आपकी मालिश करूंगी। और बेटी, वो यमराज के सामने किसी की नहीं चलती। नाना जी, ये बात तो सावित्री ने बहुत पहले ही झुटला दी थी, मैं यमराज से प्रार्थना करूंगी कि मेरी उम्र के 10 साल भी आपको लग जाए। चुमकी, तू तो आदि शक्ति महामाया है, ये बैठ बैठ, तुम दोनों की शादी के लिए किसी पंडित या अग्नि के फेरे की जरूरत नहीं है, वो पीछे छोटा मंदिर है ना, मैं तुम दोनों को ले जाकर अपने हाथ से शादी करवाऊंगा। ऐसा आनंद तो जिंदगी में कभी भी नहीं पाया था राम जी। सत्रह नहीं, सोलह। चीटिंग नहीं करना नाना जी, और एक बात याद रखो, उठो उठो उठो, और एक बात याद रखो नाना जी, मैं तुम्हें रोजाना इसी तरह वर्जिश कराऊंगी, तुम्हारी मालिश करूंगी और अच्छी अच्छी टॉनिकें पिलाकर तुम्हें वापस जवान कर दूंगी। हाँ, और सुनो एक बात, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें पूरे 100 साल जीना होगा। क्या? पूरे 100 साल। हाँ, 100 साल, लेकिन ये रोज चलेगा कौन? बताऊं? हाँ। बताऊं? हाँ। मेरा नाना। नाना? आज तो चलता हूँ, कल से नान। हाँ, हाँ। ना, 19। ए, 16। अरे पकड़ो तो सही। चलो चलो, बहुत हो गया। क्या कर रही है?
लो खा रहे। अरे बंसीराम कैसे हो? अन्य दाता आप और सुबह ही सुबह मेरे लिए तो सूरज निकल आया। तुम्हारा ये लूज करेक्टर नाते फिर वापस आ गया है? वो भी अकेला नहीं, सुंदर भगवी भी शांत लाया। छोकरी तो लूज करेक्टर नहीं लगती। तुम अभी तक यहाँ खड़े हो जी? बंसीराम की पूरी और अच्छी तरह से जांच करो जी। जांच किस लिए अंधाता? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्यों ठीक हो, कैसे ठीक हो, यही पता लगाने के लिए डॉक्टर साहब आए। खाता ही रहता है। दादू नाड़ी नाड़ी ना, दादू नाड़ी 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 नहीं होगी होगी। गायब गायब। अरे नाड़ी है कि मछली है, किधर गई? चमत्कार। तुम्हें तो जानवरों का डॉक्टर होना चाहिए। जी सर। दिल देखो, बेवकूफ नाड़ी देख रहा है, दिल तो धड़क रहा होगा। अवश्य निश्चय बाबा, एक तो भूख देखेगा प्लीज। कान का पर्दा बच गया, ये क्या है? दिल का धड़कन धुक धुक नहीं, फटाफट फटाफट करता है, एकदम दिवाली का पटाखा जैसा। ये अद्भुत, आज ही साल का उम्र है लेकिन दिल का धड़कन 25 साल का पलवन जैसा। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस सर। शट अप लूज करेक्टर, 80 साल की उम्र में कोई ना कोई रोग तो होना चाहिए ना? हाँ हाँ होना चाहिए, होगा होगा, देखो। डॉक्टर यस सर। टट्टी पेशाब खून हर चीज की जांच करो, मुझे कल रिपोर्ट चाहिए। अवश्य मिल जाएगी, मिल जाएगी। बाबा इसमें सकाल का प्रथम सुसु, सुसु प्रथम पेशाब, सुबह का प्रथम पेशाब इसमें डालेगा, एक बंद करेगा। लो बोतल में सुसु। डॉक्टर लोग तो इसमें दवाई देते। अरे पको मत, इसमें सुबह का टट्टी रख के इसमें इसको बंद करेगा। सर थोड़ा सा खून लेगा। लोना कौन मना करता है? ले 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 ले। खून मेरा। अब डॉक्टर इस पूरे शरीर में छटाक तो छटाक कुल जमा खून होगा, तो भी ले लोगे? अरे घबराओ नहीं, सिर्फ दो बूंद खून। नहीं नहीं। अरे मुनीम जी, हर महीने का 400 रुपया याद करो बंसीराम। हद दाओ बाबा, दादू हद दाओ, हद दाओ, निकालो निकालो। मर गया मर गया मर गया, खंजर फूंक दिया खंजर। हाथ ऐसा रखो, ऐ इधर खून लिया। अरे बस चल 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 चल। बेटा देवरात, इसके खून की जांच मत करा, इसका खून निकल डाल, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। शाम से बिस्तर पे लेटे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? माथे पे हाथ लगाने से दिल की बीमारी का पता नहीं चलता है, एक दौरा तो पड़ ही चुका है, न जाने दूसरा। क्यों मेरा दिल दुखा रहे हो? अरे जीवन संग नहीं हो ना, हाय मेरा दिल दिन रात अंदर से जलता रहता है, उसकी थोड़ी सी आंच तुम्हारे हिस्से में भी आएगी ना। मेरा मेरा शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है, मेरी जिंदगी मुझे बोझ सी लगने लगी है, उस कमबख्त बंसी राम के कारण। पता नहीं वो बुढ़ा कब मरेगा। तुम्हारे कोसने से वो बुढ़ा नहीं मरेगा, उस साले का बड़ा लूज करेक्टर है, उसकी जिंदगी तो दिन ब दिन सुधरती जा रही है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो आंखों से देखा, और उसका वो लूज करेक्टर नाती ब्याह करके वापस लौट आया है, और छोकरी भी ऐसी लाया है जैसे चंद्र लोक की अप्सरा। तुमने उसे देखा? देखता ही रह गया। क्या? अब सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, आंखें क्या मैं बंद कर लेता? नहीं, हवेली बुला लेते, तुम लोगों के खानदान की तो ये पुरानी रीत है। चंद्रलोक की अप्सरा, सत्यानाश हो तेरा, कीड़े पड़े तेरे मुंह में, मांस सूनी हो जाए तेरी। बस करो बस, क्यों उस गरीब बेचारी को बद्दुआएं दे रही हो? बेचारी, कभी मेरे साथ तो इतनी हमदर्दी नहीं जताई थी। देखो जमींदार ने
तुम तो खा पीकर मस्त हो, मुझसे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त हो। मुझमें तो तुमसे बहस करने की भी ताकत नहीं रही, लेकिन तुम्हारे मुंह से गालियां सुनकर आज पहली बार मालूम हुआ कि तुम कितने लूज कैरेक्टर हो। क्या कहा तुमने, लूज कैरेक्टर? एक मैं ही बची थी, आज तुमने मेरे चरित्र पे कीचड़ उछाल लिया। हे माँ, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अनिल डॉक्टर बाबू हैं, आने दो। आइए आइए। ए जी जोगिंदर बाबू प्रणाम। ए जी रानी माँ रो क्यों रही है? कुछ नहीं, इसे अपनी माँ की याद आ रही है। रिपोर्ट लेकर आए? जोगिंदर बाबू ऐसी रिपोर्ट है कि आप सुनकर एकदम हैरान हो जाएंगे। यानी कि जल्दी मरने वाला है? ऐसा मरीज तो हमने देखा ही नहीं है। पायखाना, टट्टी, पेशाब, खून, फेफड़ा, सब ऑल क्लियर। चुप, ऑल क्लियर। एक भी बुरी खबर नहीं, एक भी बुरा रोग नहीं, लूज कैरेक्टर है ना। पेशाब में अल्बुमिन है। अल्मोनियम? ना ना, अल्बुमिन। अल्बुमिन बू बू अल्बू मीन बो बो मीन। अच्छा, और चीनी माने शक्कर तो इतना है कि कहीं भी कभी भी चक्कर खाके गिर सकता है। तो गिरता क्यों नहीं है, मरता क्यों नहीं है? जमींदार बाबू, शरीर का इंजन होता है दिल, वो एकदम टॉप कंडीशन में है। सबका दिल टुक टुक करता है, उसका दिल ढम ढम करता है, एकदम महाकाल के नगाड़े का आवाज। ये नगाड़े की आवाज किसी तरह बंद हो सकती है डॉक्टर? रुपया चाहे जितना लगे। मने मर्डर, हत्या? इम्पॉसिबल। मेरा काम तो लोगों का इलाज करना है, जीवन मरण तो भगवान के हाथ में है ना। नहीं, इंसान के हाथ में भी है। शायद तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर। अब जरा मेरी बंदूक लाना। तंबूक? बंदूक ना, आज के छोली मैंने आज मैं जाता हूँ। प्रणाम जमींदार साहब, प्रणाम। प्रणाम बाबा रे। चुमकी, हम बेकार मेहनत कर रहे हैं। क्यों? अब तो खेत तैयार हैं, बारिश होने वाली है, सिर्फ बीज बोने बाकी हैं। अरे उस बीज को भूल गई जो नाना जी ने जमींदार के साथ करार करके बोया है, जो अचानक बारिश को सूखे में बदल सकता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे पगली, भगवान ना करे अगर नाना जी अचानक भगवान को प्यारे हो गए तो जमींदार तो फौरन कब्जा कर लेगा ना, और हमें धक्के मार के बाहर निकाल देगा। फिर हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? तुम तो हमेशा गलत सोचते हो मनुष कहेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि नाना जी कम से कम 10 साल और जिएंगे। अरे 10 साल क्या, मैं तो 10 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता। क्या कहा आपने? ये है कि मैं तो 10 मिनट भी जिंदा रहना नहीं चाहता। क्यों? वो जो अपने अंदाजा जमींदार साहब है ना, वो मेरे न मरने की वजह से कुछ सूख कर काजा होकर मरने वाले हैं। मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता, मैं खुद मरना चाहता हूँ। अरे मरे आपके दुश्मन, कैसे मरेंगे आप? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको 100 साल जिंदा रहना है। नहीं मुझे नहीं, मुझे तो आज ही मरना है। अरे कैसे मरेंगे? मरना है। नहीं मरेंगे, आज ही मरना है। नहीं मरेंगे, आज ही। नाना जी, चलो। नाना जी, नाना जी। प्रणाम जमींदार साहेब। प्रणाम रानी माँ। अरे वाह, ये तो लेबू है माने संतरा, फुल ऑफ विटामिन सी। आइए इनको ऐसा रखिएगा। आप जब तक इनको खिलाते रहिए, मैं जरा वो बंसीराम को इंजेक्शन देके आता हूँ, उसको दवा का अटैक हुआ है। ही में डाय वही खड़े रहो लूज कैरेक्टर। यस सर। जिसकी हम मरने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तुम उसी की जान बचाना चाहते हो? नहीं ना, नो मन ये। अरे हम भी तो मरीज है, हमारा ब्लड प्रेशर देखो। हाँ देखो देखो। रानी माँ, कोई लड़की आपसे मिलने आई है। लड़की? आ जाओ देखते आओ। Thank you.
नमस्ते बंसी राम जी, मेरे नाना ससुर हैं। ओ छोटू की जोरू, चंद्रलोक की अप्सरा। शुक्रिया। किस लिए आई हो? महीने के पैसे लेने के लिए। बंसी राम को भेजो, पैसे उसे ही मिलेंगे। ऐसा तो करारनामे में नहीं था। चुप रह लड़की। हाँ, इसका मतलब बंसी राम दमे के दौरे से मर गया। और ये आखिरी के चासू झटकने आई है। मैं उसको आखिरी इंजेक्शन नहीं देता। खामोश। पाए लाठी अंडाता। चुप रह घोड़े के डॉक्टर। चटका, मैंने तो इस बावली को पहले ही समझाया था कि वो अपने छोटे सरकार है ना, वो क्या कहते हैं, वो बहुत कानूनी है, किसी ऐरे गैरे के हाथ में पैसे नहीं देंगे, मगर ये मानती नहीं। तो सरकार वो आज पैसे मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। दे दो। ये लो, मरो। चुकी जमींदार साहब की सेहत कितनी खराब हो गई है, और सब मेरी वजह से। फिर भी बेशर्मों की तरह से हर महीने 400 रुपए लेने चला आता हूँ। ये चाहता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। चुप रहो, मरे तुम्हारे दुश्मन। चलो लूज करेक्टर, ये बुड्ढा मरता क्यों नहीं, क्यों नहीं मरता ये, क्यों नहीं मरता ये। Ready?
तक मोहि तड़ पैया चुमकी, ठीक से पानी डालना। नाना जी हमेशा कहते हैं कि पेड़ पौधों की देखभाल बिल्कुल बच्चों की तरह करनी चाहिए। तुझे बच्चों की देखभाल करनी आती है? मुझे क्या जरूरत? नवंबर के महीने में जरूरत पड़ेगी। क्यों? मेरे शरीर में भी एक पौधा उग रहा है। हाँ। क्या? बाप रे बाप, मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे चुमकी, इधर आ, इधर आ। अरे नाना, ओ नाना, अरे नाना, मेरी बात सुनो नाना। अरे रुको तो नाना, ओ नाना। नहीं, चुमकी ने कहा है कि अगर बागीचे के तीन चक्कर नहीं लगाए तो वो खाने के साथ चले भी नहीं देगी। अरे नाना, मैं जो खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम चक्कर लगाने के बजाय चक्कर खा जाओगे। मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम पढ़ना ना। शाला उल्लू, ये खुशखबरी है क्या? क्यों? अरे चुमकी ने बोला था नवंबर में होने वाला। अपने नाती के बेटे का मुंह देखने के लिए तब तक बचूंगा क्या मैं? क्यों नहीं बचोगे? तुम्हें मेरे बच्चों को आशीर्वाद देना ही होगा। हाँ, अच्छा, राम तेरी इच्छा पूरी करे। जरूर करेगा, लेकिन तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ चक्कर लगाओ। लगाता हूँ, आ गई, सांस चढ़ गई है। अरे चुमकी। हाँ? ये हुआ कैसे? तुम्हारी करनी है। है? लो नाना, दूध पी लो। अबे मेरे बाप का खून चूस चूस कर दूध पी रहा बुड्ढे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। छोड़ी छोड़ो। असली बाप के बेटे बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाते। माँ का दूध पिया तो आ जा। छोटू, तुझे मालूम नहीं ये कौन है? अपने बड़े जमींदार साहब के बेटे छोटे सरकार। अच्छा अच्छा, बड़े सरकार के बेटे छोटे सरकार। पायला गु सरकार, चल जल्दी, अभी अकेला है ना। नीचे मस्ती करता है। अरे अरे, आप किधर चले? चमक चमक कर मार रहा है। अरे नाना, ट्रेनिंग किसकी है? छोटे सरकार, छोटे सरकार, इसे माफ कर दो।
बच्चा है, मूर्ख है, ये जवानी के जोश में सब ऐसा कर गया। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपके पास उठो। सरकार, ये मेरी बहू है, छोटू की पत्नी। हाँ ठीक है ठीक है, माफ कर दिया। हम बुड्ढों और औरतों पर अत्याचार नहीं करते। हाँ सर, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। हाँ। ये बगीचा एक हफ्ते के अंदर खाली हो जाना चाहिए, वरना यह जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाएगा। सरकार, एक हफ्ते में मेरी बहू पेट से है, बच्चा होते ही हम लोग ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, लेकिन ये बच्चा होगा कब? ये बच्चा नवंबर में। हाँ समझा, हम जबरदस्ती तो कर सकते हैं। हाँ, वो हमने देख लिया। तू चुप कर। लेकिन अत्याचार नहीं। हाँ। सिर्फ नवंबर तक की मोहलत देता हूँ, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। हाँ सरकार। एक बात सुनो। हाँ। हम दोनों के बीच जो लिखित करार हुआ था ना। हाँ। उसे मैंने फाड़ फूड कर फेंक दिया। उसे चूल्हे में डाल दो ना। डाल दूंगा सरकार, आज ही डाल दूंगा। नवंबर। नवंबर यानी कि और 6 महीने और 2400 रुपया। यू लूज करेक्टर, नामाकूल, बेशरम। क्या हो गया, क्या हो गया आपको? तुमने लूज करेक्टर बेटा पैदा किया है, मेरा नुकसान ही नुकसान। बंसी राम ऐसे नहीं मरेगा, मेरा बेटा और पोते सबने लायक निकले। आज अमावस की रात है, आज की रात भूतों में सबसे ज्यादा ताकत होती है। आज की रात के बाद बंसी राम कल सवेरे का सूरज नहीं देखेगा। चुमकी, पागल हो गई है क्या? अरे आ गई, तेरा पांव भारी है, अंधेरे में इधर उधर पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे सुन, क्यों बूढ़े नाना को तंग करती है? देख मैं तो पहले ही पसीना पसीना हो गया। तुझे बड़े जिम्मेदार के भूत का भी डर नहीं लगता? बंद कर ये मनुष्य नाम लेना। लूज करेक्टर है मैं। बड़ी ढींगे मारता था अपनी मुख्तियारी के तजुर्बे का। तुझे पूरा यकीन था कि 2-4 अमावस के अंदर वो लूज कैरेक्टर, क्या नाम है उसका, बंसीराम मर जाएगा। साले तेरी बेवकूफी की वजह से महीने के हर पहली तारीख को उसे 400 रुपए देने का करार किया। मैंने कहा दे। माफ कीजिए सरकार, आप मुझे बिना कसूर के कोस रहे। मैंने जानबूझ के कोई गलती थोड़े की। अनजाने ही सही, लेकिन वो बुड्ढा मरेगा कब? नाना। हाँ। दूध रख रही हूँ, पी लेना। अच्छा। चल चुमकी, और तंबाकू बाद में पीना। आप पी लूंगा, हम लोग बाजार जा रहे हैं। और सुनो, मेरे लिए थोड़ा काला तंबाकू। अरे चुप रहो, तंबाकू तंबाकू करते रहते हो, हर वक्त डांटती रहती है। जलेबी, मिठाई के लिए तेरे लालच का चुमकी को पता है। लेकिन दो ही जलेबी रख गई। नाग देवता, महादेव जी की कृपा से आपके दर्शन हो गए। प्रणाम।
मैंने तू झूठा नहीं किया, मैं समझा तूने लिया। अरे नाना हम लोग पैसा लेना तो ओम नमः शिवाय जय श्री शंकर, ओम नमो ओम नमः शिवाय जय श्री शंकर, ओम नमो 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 शिवाय जय श्री शंकर, ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर, तुलसी को मारा ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, प्रणाम नाग देवता, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जान बची और नाग देवता के दर्शन भी हो गए। सब कुछ रेडी है ना? वेरी गुड, आप सनलाइट भी चेक कर ले, परफेक्ट, लवली। अरे भाई जो चल जाओ, ये रहे उनको बुलाओ भाई, चल जाओ, मूव मूव। अबे ट्रॉली यहाँ पे क्यों खड़ी है, हिलाओ, इधर लो, इधर लो, और लो, और लो, पास पास पास। अच्छा मासू जी रेडी है ना आप? मैं तो सुबह से ही तैयार बैठा हूँ। वाह वेरी गुड। अच्छा दादा हटिए हटिए, थोड़ा शॉर्ट जमा लूँ। अब ये सही है ना? दैट्स गुड। अच्छा मुरली दादा, हाँ जी, ये जो आपने वंडरफुल ब्यूटिफुल फैंटास्टिक, क्या जोड़ी है, नाश्ता कर रहे सर, अब उनकी जरूरत नहीं है। सर सुन लिया पूरी बात? यस सर। क्या हीरो हीरोइन मिले हैं? उनका पैकअप कर दो, पैकअप कर दो उनका। ओके सर। आउट मास्टर जी, स्टार्ट साउंड मास्टर जी, स्टार्ट साउंड। गुलाई गुलाई गो, अरे गुलाई गुलाई गो, हाँ
दिलों का मेल हो मेरा जाना। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये देखो पामशू ला, मैं तुम्हें पहना दो। टाइम बाजती लग जाएगी, जिम्मेदार के घर जाऊंगा तो रोब डालने के लिए पहन के जाऊंगा। अरे कम से कम ये शॉल तो ओढ़ लो। हाँ ये उड़ाते
हाय, आज तो मेरा नाना एकदम दूल्हा लग रहा है। ठीक कहा तुमने चुपकी, तुम्हारे साथ घूमेंगे तो लोग इन्हें दूल्हा और मुझे नौकर समझेंगे। वो तो है। मुझे उल्लू बनाता है, झूले पे चढ़ा नहीं, मुझे चने के झाग पे चढ़ाता है। नहीं लाना, नहीं कहीं का। छोट छोट के बच्चे। मौजगर मौजगर, बाप का राज है। मजार। छोटू ऐश कर रहा है, ऐश कर, ऐश कर। लेकिन एक बात बता, हमारे दिए हुए 1000 रुपए में से कितने फूंक दिए इस मेले में? देख शेरा, ताना मत मार, मुझे सब याद है, मैं बेमानी नहीं करूंगा। बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दे, मैं सारे कर्ज के रुपए सूद के साथ लौटा दूंगा। सरकार, इसके पास है क्या? टीचर कहीं का बंसी राम का भिखारी नाती, ये क्या देगा? अरे इसके पास तो भरपूर खजाना है, लाल लाल गोल बटोल टमाटर जैसा। दक्षिणा के प्रबंध कीजिए और वो
बंसीराम मर गया, वो तो मर गया। इससे बड़ा मरण हवन जग आज तक नहीं हुआ। इससे पहले 20 को मार चुका हूँ। आप उसको चिता में लेटाने की प्रबंध कीजिए। प्रणाम जमींदार साहब। वो खबर मिली कि आपके यहाँ महापूजा हवन हो रहा है। दर्शन करके प्रसाद पाने का लालच इस बुढ़े को यहाँ तक घसीट लाया। सत्यनारायण की महापूजा है सरकार। ये कौन है? तुम 20 मार चुके हो ना, ये 21वां है। अमर अनंत बंसी राम। असंभव, अभी तक वेदी की अग्नि ठंडी नहीं हुई। ये तो तेरे मृत्यु का हवन था। अब तक तो तेरी चिता जल जानी चाहिए थी। चिता तो एक दिन सबकी जलनी है, मगर अंडाता आप इस 420 के झांसे में कहां आ गए? ये तो झिड़कू है, झिड़कू। मैं इसे तब से जानता हूं जब ये इतना सा था। तांत्रिक बनने का शौक इसे तब भी था। शमशान में रात को जाकर चिता की भस्म अपने बदन पर मलकर नंगा नाचा करता था। ताथई ताथई। बच्चिए दरबान, इस धोखेबाज को थक्के मार मार कर इस गांव से बाहर फेंक दो। आज तक मेरा मरण मारण जग कभी विफल नहीं हुआ। ये कैसे हो गया को समझ में नहीं आता है। चार घंटे से हुजूर मेहनत कर रहा हूँ, कुछ तो दान दक्षिणा दीजिए। दरबान, इसके 4 घंटे की मेहनत के इसको 40 जूते मार। 40 जूते। प्रणाम हुजूर। बंसी, तुम तो जानते हो हमारे पुरखों के जमाने में पूजा के बाद आदमी की बलि दी जाती थी। हाँ सरकार, जो हमारे अंग्रेज राजा ने कायदा कानून बनाकर बंद कर दी। अब तो सिर्फ बकरे और भैंसे की बलि चढ़ाई जा सकती है। मगर सरकार, ये मरियल बकरे को देखकर तो मुझे भी शर्म आ रही है। आपको तो एक मोटा बंद करिए। मुझे तेरी बलि चाहिए। कितनी बार झूठा मरने का दिलासा दिया है मुझे, कितने हजारों रुपए मेरे हजम कर गया तू। अब नहीं मांगूंगा सरकार, वो लिखा पढ़ी तो रद्द हो गई। क्या? हाँ हाँ सरकार, उस दिन छोटे सरकार ने कहा था कि हमने अपनी कापी फाड़ कर फेंक दी। अब तू भी अपनी कापी चूल्हे में डाल दे। सो मैंने डाल दी। चूल्हे में डालने से रद्द हो गई? अरे लूज करेक्टर, उसकी असली कॉपी मेरे पास है। लिखा पढ़ी रद्द हो जाने की खुशी में शाल ओढ़ के आए हैं, वो भी कश्मीरी। रानी माँ, ये सब मालिक के रुपयों की कृपा है। परसों की इच्छा थी, बहू ने पूरी कर दी। ये देखिए, जूते भी ले आई है। बाटा के हैं, पंप शू। 12 रुपए 15 आने के आए हैं। जिंदगी में पहली बार पहने हैं। ए थोड़ा थोड़ा काटते हैं, वैसे जैसे के पालतू कुत्ता कभी कभी काट ले। बकवास बंद कर। तेरा जीवन मेरा मरण है बंसी, मेरा मरण है। नहीं नहीं सरकार, नहीं, आपकी बहुत मेहरबानियां हैं मुझ पर। आपके लिए तो मैं अपना अगला जन्म भी निछावर कर सकता हूँ। यही जन्म काफी है। और कितना सताओगे हमें, कितना खून चूसोगे हमारा? ये आप क्या कह रही हैं रानी माँ? मुझे नहीं पता था कि मेरे कारण आप लोग इतने दुखी हैं, वरना मैं कब का मर गया होता। वैसे तो पाप है, मगर आप लोगों के सुख के लिए मैं आत्महत्या भी कर लेता। करोगे? अभी भी देर नहीं हुई।
सरकार वो कैसे? तुम आओ मेरे साथ, आओ। ठहरिए रानी माँ, सुना है आप वो पुरानी चीजें गरीबों को दान कर देती है, वो बड़े सरकार की वो चांदी की कुड़गुड़ी थी ना, उस पर मेरी बहुत नजर थी। तंबाकू है तेरे पास? वो मेरा छोटू ले आएगा। तंबाकू जलाने के लिए आग चाहिए ना, ये ले। लूज करेक्टर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आओ मेरे साथ आराम से संभाल। आओ बंसीराम, आओ आओ बंसीराम, आओ बैठो, बैठ बैठो। नहीं नहीं नहीं, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? बंसीराम आज बिल्कुल कोई संकोच मत करना, आराम से बैठो। बंसीराम अगर मैं अपनी जान देकर अपने पिताजी की आत्मा को मुक्ति दिला सकूं, तो तुम इस आत्महत्या को पाप कहोगे कि पुण्य? महापुण्य, मगर सरकार आप आत्महत्या क्यों करेंगे? आपके स्वर्ग पिताजी तो मेरे कारण भूत बने, वो मुक्ति पाने की राह देख रहे हैं और मैं मरने की। हां बंसीराम, आत्महत्या करते ही तुम सीधे स्वर्ग जाओगे, ये महापुण्य करने का सबसे आसान तरीका है, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब चल बसे। अनदाता, मैं आपको आत्महत्या करने का वचन देता हूं, मगर तरीका आप बताइए। ये रात को सोते वक्त पी लेना। कितना? आधी बोतल जरूरत से ज्यादा है, पीते ही 5 मिनट में नींद आ जाएगी और फिर कभी आंख नहीं खुलेगी। नहीं नहीं, मैं पूरी बोतल पी जाऊंगा, चांस लेना ही नहीं। आपको वचन दिया है ना, आज ही रात को पूरा कर दूंगा। लेकिन लेकिन क्या? मैं भूत बनना नहीं चाहता, मरने से पहले आदमी के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं। जल्दी बोलो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाएंगी। मेरी चिता चंदन की लकड़ी की जले होगे, मेरी चिता में गाय का शुद्ध घी डाला जाए, ऐसा ही होगा। मेरी अंतिम यात्रा में मेरी लाश अर्थी की बजाय पलंग पर ले जाई जाए, कद्दू और नरम तकियों के साथ। वो भी मंजूर है। राम नाम सत्य और हरि बोल की बजाय शमशान भूमि तक एक भजन मंडली कीर्तन करती हुई साथ-साथ चले। इतनी रात को? अरे इतनी रात को भजन मंडली कहां से मिलेगी मेरे बाप? सो आप जानो, मैं आपकी बरसों की इच्छा पूरी करने जा रहा हूं, आपको मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी, नहीं तो राम राम। ठीक है ठीक है। और एक बैल। बैल? हाँ सरकार, कहते हैं कि अगर ब्राह्मण को दान न दो तो मोक्ष नहीं मिलता। ठीक है, यह भी मंजूर है। ये थी ना तुम्हारी आखिरी इच्छा? हाँ हाँ सरकार, बस राम 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 राम। हाय। लेकिन सरकार, हाँ? सुना है जहर खाकर मरने के बाद जांच के लिए डॉक्टर लोग लाश की चीर फाड़ करते हैं, मुझे उससे बचा लेना, इस कमजोर और बूढ़े जिस्म को चीर फाड़ से बहुत तकलीफ होगी। ठीक है बंसीराम, घबराना मत, सूरज निकलने से पहले
तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। सरकार आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। बंशी राम का आपको अंतिम प्रणाम। बेटा हो तो तेरे जैसा देवराज आज बंशी राम शहर पीकर मर जाएगा और फिर बगीचा हमारा हो जाएगा। राणा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं जान निकले जा रही है, नहीं जान निकले जा रही है नाना। अरे जान तुम मेरी निकल रही है, तू घबरा मत, की धीरज रख। नाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये रोने चिल्लाने से दर्द कम थोड़ा ही हो जाएगा। अरे तेरी ऐसी हालत में ये नालायक छोटू कहाँ चला गया? उनके कोई दोस्त उन्हें कहीं जबरदस्ती पकड़ के ले गए हैं, कहीं जश्न मना रहे हैं। अरे ऐसे दोस्तों को तो जहर पिला देना चाहिए। जहर? क्या? कुछ नहीं, तू चुंकी के पास जा, अभी तो टाइम है। अरे फिर भी पहला मौका है। सुना क्या? चुंकी के पास जा, जा। जाऊंगी। अरे तू क्या पहली लड़की है जो वहाँ बनने जा रही है? कितने ही बच्चों को जन्म दिया मैंने इन हाथों से। अब कोई माया मोह बाकी नहीं रहा। जमींदार साहब को पचन दिया है, सोच लिया मैं पहले ही मर गया। नदी के बेटे का मुंह देखना शायद भाग में नहीं है। चलो बंसी राम की इच्छा। आखिर आज तेरी मौत आई गई बंसी राम, जहर तेरे को आधे घंटे में मेरे जैसा भूत बना देगा। बच्चों तड़पाया तूने मेरी आत्मा को, आज मैं किन किन के बदला लूंगा। देखो वो भी रहा है। अरे बस बस बस, मैं शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे पलंग जरा छोटू के दरवाजे के सामने रखो, लगा लगा इधर, और बैल खूटी से बांध दो। और मुनिम जी सीता शमशान से जरा दूर होनी चाहिए, सारा काम जल्दी हो जाना चाहिए जी। अपने आदमियों के अलावा और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए जी। फादर इन्हें तो मैं डरा धमका कर ले आया हूँ, लेकिन इसके विदाउट काम नहीं चलने वाला। बहुत ठीक है, 50 रुपए दो ना। लूज कैरेक्टर। बेटा 50 क्यों, तू आज 100 रुपए ले। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, कल जा। मैं 15 मिनट में इन्हें गर्म करके लेके आता हूँ। चलो बोलो राम राम। बोलो राम राम। अरे शोर नहीं, शोर नहीं। अरे छोटू की रानी, अरे छोटू, लूज कैरेक्टर। अरे कहां मर गए तुम लोग, मेरी बात तो सुनो। मुर्दे को ज्यादा देर घर में नहीं रखना चाहिए, बंसी राम का दाह संस्कार हो जाना चाहिए। वचन देके धोखा दिया। आप जो चाहे सजा दे सकते हैं सरकार, मैं मरा नहीं इसलिए धोखा तो दिया है, मगर आपको नहीं, मौत को भी नहीं, अपने आप को दिया है सरकार। अपना वचन निभाने के लिए मैंने वो जहर की बोतल, वो क्या नाम है, वो जो आपने मुझे दी थी, उसे खोलकर मुंह से लगा लिया ताकि एक ही झटके में पी जाऊं, लेकिन दूसरा झटका ऐसा लगा कि वो बोतल मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। झूठ बोलते हो तुम। नहीं नहीं लूज करेक्टर,
तुझे तेरे नाती के होने वाले बच्चे की कसम। वही तो हो गया। क्या छोटू का बेटा आखिरकार इतना सा, जैसे ही उसके रोने की आवाज आई इस कान में चैनाइयां बजने लगी। देखे बिना रहा नहीं किया, देखा तो मरना भूल गया। सरकार जीने का लालच आ गया, मगर ये आप तब समझेंगे जब आप दादा बनेंगे, अपने पोते के साथ खेलेंगे। लगता है मैं फिर से जवान हो गया हूँ। परसों पहले की बात याद आ गई, जब मैं अपने छोटू के साथ यही आग बचोली खेला करता था। अब अपने छोटू के साथ खेलूंगा, उसके पीछे दौड़ूंगा, गिर जाऊंगा। फिर वो लकड़ी लेकर मुझे उठाने आएगा। अरे बाप रे, ये जमीन तो बड़ी खुरदरी है, बबुआ के नाजुक पाँव छिल जाएंगे। इस जमीन को बिल्कुल साफ करवा दूंगा। फिर बबुआ यही कहीं छुपकर मुझे पुकारेगा, नाना जी तुम ताओ। क्या नाम बोल के हमें बबुआ? बहुत अच्छा नाम है, यही नाम रख दूंगा मैं, छोटू के छोटू का। अरे बाप रे, जिमीदार साहब तो जू के तुम बैठे हुए हैं, गुस्से से लाल पीले हो गए होंगे, अब जूतों से मरम्मत होगी। छोटू, अरे इधर आ, बबुआ को ले आ, बबुआ को। पर क्या बोल रहे? आना ना। आजा 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 छोटू। अरे जमींदार जी, जमींदार साहब प्रजा के लिए देवता समान होते हैं, बबुआ को इनके चरणों में डालकर आशीर्वाद ले लो। छूना नहीं, अंदर ले जा बच्चे को, अंदर, मूर्ति के पास नहीं रखते, जा बाहर नहीं आना, फिर मुंह क्या देख रहा है, जा अंदर। सरकार आपके चरणों में पंछी राम का अंतिम प्रणाम। राम नाम शब्द शत्रु बोलो शत्रु। अरे अरे अरे, फादर कहाँ चले गए? अरे वो तो खुशी के मारे हवेली में लड्डू बांट रहे होंगे। लूज करेक्टर है, वेरी लूज, वेरी लूज। चलो चलो मुर्दा उठाओ, चलो जल्दी 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 जला के राम 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 राम। हरी बोलो बोलो, हरी बोलो, राम राम हरी बोल, राम राम बोल, हरी राम राम हरी बोल। नालायक, मेरी इच्छा पूरी किए बगैर कैसे आ गया? माफ कीजिए पिताजी, मेरे पास में कुछ भी नहीं था। अब तू भी मेरी तरह भटकेगा। पिताजी, किसी के बस में कुछ भी नहीं होता। लूज करेक्टर। पिताजी, इसी का नाम जिंदगी। गुलाई गुलाई गु, हाँ गुलाई गु, गुलाई गुलाई गु, हाँ गुलाई गु, मिले कोई अनजाना, जो लगे जाना पहचाना तो दिल ही कहे, इसे अपना बना